वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो पता है इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब इतना ज्यादा अलग है ना कि मतलब क्या बताऊं आपको। वीडियो देखकर बहुत मजा आने वाला है। मतलब हैकर्स ने कितनी कोशिश की है मेरे चैनल को हैक करने के लिए। इनफैक्ट अभी ऐसा वक्त है ना कि हैकर्स हर किसी को ऐसा मेल तो कर ही रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। अगर आपके पास भी आया है तो आप मुझे बताना। तो इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक एक दिन में मुझे दो दो ईमेल रिसीव हुआ है हैकर्स के। एंड ऐसे इतने सारे ईमेल्स रिसीव हुए ना कि मैं क्या बताऊं। सारा इंसिडेंट ना आपको मैं खुलकर बताती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हुई है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उससे आप मुझे और अच्छे से जान पाओगे। एंड बाई चांस मैंने ड्रेस कौन सा वेयर किया है एंड क्या चीजें यूज की है, कौन सा स्ट्रेटनर है वगैरह वगैरह, हर चीज का जो लिंक है ना सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाय चांस अगर आप कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो वहां जाके खरीद सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास इतने सारे मेल आए ना, मतलब ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये चीज बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मेल अभी हर किसी के पास आ रहे होंगे, ट्रस्ट मी गाइस। तो जो भी अभी यूट्यूब पे शुरुआत किया है ना, जिसने जो अभी छोटा यूट्यूबर है, मैं भी छोटी यूट्यूबर ही हूं अभी, तो ऐसे लोगों के पास ना ये मेल ज्यादा आ रहे हैं जो कि हैकर्स के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों को अभी ज्यादा नॉलेज है नहीं कि हैकर्स क्या होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे फिशिंग में ना फंस जाते हैं एंड उनका चैनल चला जाता है। तो ये क्या है क्या नहीं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पास मेल आया एंड मेल में लिखा हुआ था कि आपको क्या बोलते हैं ये मिल रहा है, मतलब वो कोलैबोरेशन का मेल था। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि कितने बड़े बड़े ब्रांड से मुझे मेल आया, मतलब मुझे वंडरशेयर से मेल आया, वंडरशेयर मुझे मेल कर मुझे क्रीटा से मेल आया, मुझे केकवॉक कोई ऐसी कंपनी थी वहां से मेल आया, मुझे डेविंसी नाम तक नहीं बोला जा रहा है, डेविंसी से मेल आया। ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे एक छोटी मोटी यूट्यूबर को बोल रहे हैं कि मुझे प्रमोट कर दो। भाई उनसे मैं बोलू ना कि मुझे प्रमोट कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा। आर यू कॉमेडी मी? हुआ क्या मैं आपको वो बताती हूँ। तो उनका जो मेल आता है ना, तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाती हूँ कि यार इतने बड़े बड़े लोग मुझे मेल कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने ना सबसे पहले जब मेरे पास मेल आता है ना, तो मैं ईमेल चेक करती हूँ कि कौन सा ईमेल है जिसके थ्रू मुझे मेल आया। ठीक है, तो अब हैकर्स इतने चालाक हो गए ना, मतलब ऐसे ऐसे ईमेल यूज करते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको समझ में आता है कि कोई भी नाम है @gmail.com है तो वो हैकर ही है। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी कंपनी का एक डोमेन होता है, जैसे वंडरशेयर है तो www.wondershare.com से मेल मुझे आएगा। तो ऐसे ऐसे इतने सारे टेक्निक लगाए ना उन्होंने। एक का तो मेल जो आया था वो था www.wondershare-x@cv ऐसा करके कुछ मेल था, एंड वो इतना अजीब सा था, मुझे लगा कि यार रियल ही होगा। उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ मैं इंटीग्रेशन वीडियो कोलैब करना चाहता हूँ, 30-35 सेकंड का आपको मेरे लिए वीडियो बनाना है एंड अपलोड करना है, आपको हाफ जो पैसा है ना वो अभी मैं दूंगा, अभी जब आप रेडी हो जाओगे करने के लिए, एंड हाफ जो पैसा है ना वो आपको वीडियो अपलोड करते समय जब आप मुझे वीडियो भेज दोगे तब दूंगा। ठीक है, एंड आपको यकीन नहीं होगा, सबसे पहले क्रीटा का मुझे मेल आया था जिसका मैंने रिप्लाई भी किया था, एंड मुझे पता था वो फेक है, बट जस्ट मैंने रिप्लाई, मुझे हैकर्स के साथ इंटरेक्शन करने में मजा आता है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आगे बोलता क्या है। ठीक है, तो मैंने पता है क्रीटा जो भी वो था ना उसे मैंने मेल करके बोला कि आप मुझे कुछ और बताओ इसके बारे में जो भी आप प्रमोट करवाना चाहते हो। उन्होंने बड़ा लंबा सा लिखित जारी किया ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट क्या बोला ना कि कैन वी टॉक ऑन कॉल। ट्रस्ट में उसके बाद उसका मेल ही नहीं आया, मतलब उसने बोला नहीं भाई हम बात बात नहीं करेंगे, जो बात करना है यहाँ पे करो और जो भी मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर क्लिक करो, खेल खत्म। तो उनका रिप्लाई ही नहीं आया। एंड सेम ईमेल मुझे केक वॉक पता नहीं कोई कंपनी है, कोई पीआर एजेंसी है ऐसा, तो ये रियल है लेकिन उसके नाम से फेक मेरे पास ईमेल आता है। एंड उन्होंने भी सेम किया लेकिन सेम उनको मैंने रिप्लाई नहीं दिया, बट मुझे पता था वो भी फेक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे शुरुआत में लगा कि वो रियल है, ट्रस्ट मी, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा उसके बारे में सर्च किया ना, तब मुझे पता चला भाई ये तो फेक है। वैसे भी अगर वो रियल तो नहीं होता, अगर वो फेक होता और मैं उससे बात भी करती तो मैं दूसरे मोबाइल से बात करती जिससे मेरा कोई भी नहीं जाता। ये लोग क्या करते हैं ना, आप उनसे बात करते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं ना आपको कोई एक वीडियो सेंड करते हैं, सॉरी वीडियो नहीं, ये लोग क्या करते हैं आपको एक फाइल सेंड करते हैं एंड वो आपको बोलते हैं कि इस फाइल के थ्रू आप मेरे ऐप को, आप मेरे सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में या जो भी है आप उसमें इंस्टॉल कर लो एंड देन आप इसको यूज करो एंड देन इसके बारे में आप वीडियो बना दो। लेकिन वो
लेकिन वो जो है ना आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, इंस्टॉल नहीं होता है एंड इसी दरमियान आपका जो चैनल है वो हैकर्स के पास होता है एंड आपके आप जो अगर मोबाइल है आपके पास या पीसी है, हर किसी का कंट्रोल हैकर्स के पास होता है ऑफकोर्स। तो ये लोग ना अभी छोटे छोटे यूट्यूबर्स को जो है ना वो क्या बोल रहे हैं उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो फंसेंगे नहीं। काफी सारे ऐसे बड़े यूट्यूबर्स भी है जो फंस चुके हैं अपनी छोटी सी गलती की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज होता है वो नहीं फंसते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। तो हाँ मुझे मुझे मैं भी थोड़ी बहुत चालाक हूं, आप समझ रहे हो। तो नहीं चालाक की बात नहीं है, मतलब अच्छा समझ लो क्या क्या मतलब रखता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, इतने सारे अभी तक मेरे पास लगभग 8 से 10 ईमेल आ चुके हैं एंड बड़े बड़े ब्रांड्स के, ओ माय गॉड। तो आपको इसमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका चैनल अभी छोटा है तो इतने बड़े बड़े कंपनी आपको अप्रोच क्यों करेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ कि भाई ये मुझे अप्रोच करेगा, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई। तो कोई 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 मतलब दिमाग ही क्या खराब करने वाली चीज है, कोई इसमें लॉजिक ही नहीं है। तो आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है एंड प्लीज थोड़े से पैसे के लालच में आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वरना आपकी इतने सालों की मेहनत ले जाएगा कोई और। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि किन किन चीजों से आपको बचना है। अभी हैकर्स के बहुत सारे मेल आ रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर हो तो देन प्लीज आप ना थोड़ा सा केयरफुल रहो एंड कुछ भी ऐसी गलती मत करो जिसके वजह से आपका चैनल हैक हो जाए, ऑफकोर्स हैक हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये थोड़ा सा भी आपको मतलब हेल्पफुल होता है आपके लिए एंड थोड़ा सा भी इससे आपका नॉलेज गेन होता है, कुछ चीजें आपको पता चलती है एंड जो भी आपको हेल्पफुल होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कर ही दो एंड जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नेम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। सो बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइज, बाय।